बिग बॉस के घर में जब से देवोलीना भट्टाचार्य जी और रश्मि देसाई, अभिजीत बिचुकाले, इन्होंने जब से एंट्री ली है, तब से घर का जो माहौल है, एनवायरनमेंट जो है, वो चेंज हो चुका है। हम आपको बताते हैं कि रश्मि देसाई और देवोलीना की फाइट के बारे में और उस पर उनके भाई का, यानी कि देवोलीना के भाई का क्या रिएक्शन आया है, उन्होंने क्या खुलासा किया है। लेकिन उससे पहले बताते हैं कि देवोलीना ने प्रतीक सहजपाल को कह दिया है कि वो प्रतीक सहजपाल से अट्रैक्ट हो चुकी हैं। क्या बोला है हम आपको बताते हैं। देवलीना ने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया है प्रतीक सहजपाल के सामने बिग बॉस 15 के घर में और कहा है कि आई डोंट नो हाउ यू विल टेक इट, मुझे नहीं पता कि तुम इसे किस तरह से लोगे, लेकिन येस आई गॉट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। अट्रैक्शन हो चुका है देवलीना को प्रतीक सहजपाल के साथ। अब आपको बता दें कि अपकमिंग एपिसोड में जिस तरीके से दिखाया जाएगा कि तेजस्वी, जो कि उमर रियाज से पूछेगी क्या बिग बॉस के घर के बाहर तुम रश्मि देसाई के साथ, उनके रश्मि देसाई के साथ को डेट करोगे, उनके साथ बाहर जाओगे, जिस पर रश्मि देसाई इस कॉन्वर्सेशन को सुन लेती है, क्योंकि अब रश्मि देसाई और उमर रियाज जितने, इनका जो एक जो बॉन्ड बन रहा है, जिसके चलते देवलीना और रश्मि की भी फाइट हुई है। और आपको बता दें कि जिस पर रश्मि देसाई, जो कि एक कॉन्वर्सेशन सुन लेती है और वो चीखती है, एक हीटेड आर्ग्यूमेंट जो कि तेजस्वी और रश्मि के बीच में शुरू हो जाता है, और रश्मि चिल्लाती है और कहती है कि मैं आपका और करण का नहीं पूछती, तो आप मेरा और उमर का भी मत पूछो। इफ़ आई डो नॉट आस्क यू अबाउट करण, डोंट आस्क अबाउट उमर एंड आई। सो उन्होंने ये बोला है। अब आपको बता दें कि हालांकि सोशल मीडिया पर इस तरह की कुछ खबरें हैं कि रश्मि देसाई और देवलीना, जिनकी फाइट फेक है बिग बॉस के घर में, उन्होंने फेक फाइट करी है सिर्फ ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए, शो की टीआरपी बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी दोस्त हैं। और आपको बता दें कि अब अनदीप भट्टाचार्य जी ने क्या बोला है, जो कि देवलीना के भाई हैं, उन्होंने कहा कि अबाउट देवोज फ्रेंडशिप विद रश्मि आई वॉन्ट रियली कमेंट, देवो हैज़ अ नैक ऑफ ट्रस्टिंग पीपल टू अर्ली, ऑल आई कैन से इज दैट दे शुड स्टॉप स्पिटिंग वेनम एंड सेटिंग अप अ रॉन्ग एग्जाम्पल ऑफ फ्रेंडशिप। तो उन्होंने ये बोला है कि जहर निकालना, जहर उगलना बंद करो, और जो गलत एग्जाम्पल जो सेट किया जा रहा है जो फ्रेंडशिप का, उसे गलत, उसे स्टॉप करो, उसे रोको। और आगे उन्होंने ये भी कहा है कि ही वॉज क्वाइट डिसअपॉइंटेड विद बिहेवियर ऑफ अभिजीत, क्योंकि अभिजीत बिचुकाले ने उनकी बहन देवलीना से या मजाक में या सीरियस में किसी भी तरह से ये बोल दिया कि किस चाहिए, अब किस वाली बात पर। रश्मि देसाई ने एक तरह से सपोर्ट किया था अभिजीत बिचुकाले का, जिसके बाद इनकी फाइट बहुत ज़्यादा बढ़ गई और इनकी काफ़ी फाइट हुई इस बात पर। और उसने जो अभिजीत का जो बिहेवियर है, जिस पर उसने, उनके जो भाई हैं, उन्होंने कहा कि आई फील व्हाट देवर डिड वॉज एब्सोल्युटली राइट, अ पर्सन शुड नेवर क्रॉस द लाइन ऑफ डिसेंसी। ये एक डिसेंसी की जो लाइन है वो एक इंसान को क्रॉस नहीं करनी चाहिए। एंड पीपल हु आर सेइंग उंगली दोगे तो हाथ पकड़ेगा शुड क्लैरिफाई इफ समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट हैपन्स टू देयर मदर, सिस्टर, डॉटर, वाइफ, देन दे स्टिल डिफेंड अभिजीत एक्ट, गेम इज नॉट बिगर देन टेकिंग द राइट स्टैंड। सो उन्होंने इस बात का खुलासा किया है कि लोग बोल रहे हैं एक तरह से कि देवलीना ने उंगली दी है तो हाथ पकड़ेगा, और इस तरह की जो बातें हैं, जो कहावत होती है, जिस पर उन्होंने क्लैरिफाई किया कि अगर यही चीज़ें उनकी मदर, सिस्टर, डॉटर के साथ होती तो क्या तब भी वो अभिजीत के इस एक्ट का साथ देते। ये बात उन्होंने सही बोली है, गेम इज नॉट बिगर देन टेकिंग द राइट स्टैंड। वहीं उन्होंने अपना ग्रैटिट्यूड जो कि एक्सप्रेस किया है तेजस्वी प्रकाश के लिए, उन्होंने कहा कि आई एम थैंकफुल टू तेजस्वी फॉर टेकिंग अ राइट स्टैंड, आई थिंक एवरी वुमेन इन द हाउस वुड स्टैंड बाय हर, कि तेजस्वी प्रकाश ने स्टैंड लिया था देवलीना का, क्योंकि देवलीना जब चिल्लाई थी अभिजीत के जो गलत बात बोलने में, कि किस वाली जो बात थी, जिस पर उन्होंने कहा कि यस, तेजस्वी ने सही किया और सही का स्टैंड लिया है। अब देवलीना और रश्मि देसाई, जो कि बिग बॉस के घर में जब से आई हैं और
जिस तरीके से प्रतीक सहजपाल के लिए अट्रैक्शन बढ़ रहा है देवलीना का, रश्मि देसाई और उमर रियाज का जो बॉन्ड है वो बढ़ रहा है, बातें जो कि सामने आ रही हैं, अब ये बिग बॉस के घर में क्या स्क्रिप्टेड है या फिर क्या सच में कुछ ऐसा हो रहा है ये नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज़ से ऑडियंस को फुल एंटरटेनमेंट मिल रहा है। क्या कहना चाहते हैं आप इस बात पर, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी अपडेट्स के लिए।